आपने कई बार सुना होगा मृत्यु के बाद अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो सबको एक पल के लिए भी उस शरीर को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ने से क्या हो जाएगा? जैसे हमने कहा अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, तो तुरंत आपके मन में ये सवाल आ गया क्यों नहीं और क्यों नहीं छोड़ा जाता, छोड़ने से क्या हो जाएगा। अब वो बात भी ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी का मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाता है, तो ऐसे में शमशान नहीं ले जाया जा सकता। सूर्यास्त के बाद अगर व्यक्ति का निधन हो जाए, सूर्यास्त के बाद यदि व्यक्ति का मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में उसको घर से बाहर लेकर के नहीं जाया सकता है। घर के बाहर शमशान घाट हम लेकर के नहीं जा सकते, तो ऐसे में घर में ही रखना पड़ता है। तो जब घर में ही रखते हैं तो उस समय उस सब को, शरीर को, मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा जाता। अब इसके पीछे कई सारे मान्यताएं हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कारण हैं जिसके कारण नहीं छोड़ते। पहली बात, जब शरीर से आत्मा निकल जाए यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उस शरीर को अकेले छोड़ने से कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर उस शरीर को नोच खा सकते हैं, उस शरीर को खाने लग जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए भी अकेले नहीं छोड़ा जाता। और दूसरी बात, जब शरीर से आत्मा निकल जाए यानी जब शरीर आत्मा से खाली हो जाए, तो ऐसे में कई दुरात्मा जो वहाँ पर नकारात्मक जो ऊर्जा होता है, जिसे दुरात्मा कहते हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा से खाली शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए वहाँ पर किसी एक को वहाँ पर रहना ही चाहिए, शरीर को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब गरुड़ जी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा क्या मृत व्यक्ति के पुत्र आदि वहाँ उपस्थित नहीं हैं, गरुड़ पुराण के बाद मैं आपको बता रही हूँ। गरुड़ जी जब भगवान विष्णु से प्रश्न कर रहे हैं मृत व्यक्ति के, जिसका मृत्यु हो जाए उस व्यक्ति के पुत्र आदि वहाँ पर यदि उपस्थित ना हो, तो क्या ऐसे में शरीर को जलाना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? ये बात आप सबके लिए सुनने लायक है, आप सभी ध्यान से सुने। ऐसे समय में जब मृत व्यक्ति के पुत्र वहाँ उपस्थित ना हो, तो जब तक पुत्र ना आ जाए तब तक शरीर को जलाना नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आग जो है पुत्र ही देते हैं, तो इंतजार कर सकते हैं। और उसके बाद जब तक पुत्र आदि ना आए तब तक शरीर को अकेले ना छोड़ें, किसी न किसी को वहाँ रहना चाहिए। कारण यही है, नकारात्मक ऊर्जा, दुरात्मा उस मृत शरीर में प्रवेश ना करें। अगर प्रवेश कर गया तो अभी जिसका मृत्यु हुआ उस जीवात्मा को आगे की सफर तय करने में कष्टदायक हो सकता है, इसलिए मृत व्यक्ति को सबको अकेले एक पल भी छोड़ना नहीं चाहिए। प्यार से बोल दिया।